Hi guys, I think now it is fine. Please let me know now. Audio is fine. Now I think audio is fine. So let's start the discussion. Now we were talking about when LN radiation belt. हम बात कर रहे थे when LN radiation belt के बारे में. तो बोलते हैं कि what exactly is the when LN radiation belt? When LN radiation belt क्या होती है के बारे में समझते हैं, understand कर. So right at this place, what you will get to know. अर्थ के पास अपना एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है. क्यों होता है? अर्थ के अपने वेट की वजह से. अर्थ के अपने वेट की वजह से अर्थ का अपना ग्रेविटेशन फोर्स होता है. वेरी सिंपल. अब इसके बाद में क्या नजर आता है? अर्थ के अंदर इंटीरियर में आयरन है, निकल है और अदर ऐसे मटेरियल हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं. और ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोजेस करने वाले सब्सटेंसेस हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पजेस करने वाले सब्सटेंस हैं, ये आपको ये भी पता होना चाहिए मोल्टन फेज में भी हैं और सॉलिड फेज में भी. अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेट मी शो. यहाँ आ जाइए. यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि अर्थ की अलग अलग लेयर हैं. एक लेयर है अर्थ की जिसको इनर कोर बोलते हैं, लेयर अर्थ की है जिसको आउटर कोर के नाम से जाते हैं. अब ये जो इनर कोर और आउटर कोर वाला पार्ट है, जो इनर कोर है, जो इनर कोर वाला पार्ट है सॉलिड, और जो आउटर कोर वाला पार्ट है आपका लिक्विड मोल्टन मोल्टन. अब सवाल क्या नजर आता है? वो आपका पार्ट है इनर कोर वाला, ये सॉलिड है, पार्ट लिक्विड है. जब इनका रिलेटिव मोशन होता है, और क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे, वेरी हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे है, तो ये आयोनाइज फॉर्म में होता है. जब भी कोई आयन मूव करता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. अब यही मैग्नेटिक फील्ड है आपका, तो हमें सोलर फ्लेयर्स से बचाता है, या फिर मैं बोलूं सन से आने वाली हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं प्रोटेक्ट करता है. सन से आने वाले जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है. राइट एट दिस प्लेस व्हाट आई गेट टू नो, ये जो आपका आयनाइज पार्टिकल है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो आयन है, शायद आपने सुना होगा एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है थर्मोस्फेयर, जिसका एक पार्ट होता है आयनोस्फेयर. तरीके से अदर जो आयनाइज पार्टिकल्स हैं सबको कुछ डेफिनेट फील्ड में अरेंज करके रखता है, और वही डेफिनेट एरिया क्या कहलाते हैं? व्हेन एलन रेडिएशन बेल्ट. व्हेन एलन रेडिएशन बेल्ट अभी बहुत काम की होती, तो काम की होती क्या यूटिलिटी है इनकी? तो होता क्या है यार, सन अपने आप में ज्यादा एनर्जी प्रोजेस करता है, एंड एनर्जी इतनी मोर देन दैट ऑफ द अर्थ इटसेल्फ. अर्थ की इंटीरियर एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी है वो सन के अंदर देखने को मिलती है. अब जब सन में एनर्जी देखने को मिलती है, जब सन के अंदर एनर्जी देखने को मिलती है, तो वो एनर्जी सोलर फ्लेयर्स की फॉर्म में, सोलर लाइट्स की फॉर्म में यहाँ पे अर्थ की तरफ जाती है. और जब ये वेल एलन रेडिएशन बेल्ट से सोलर जो फ्लेयर्स हैं या चार्ज पार्टिकल टकराते हैं, तो ये डाइवर्ट हो जाते हैं और इधर की तरफ निकल जाते हैं. अगर ये हार्मफुल ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पे पहुंच जाए, तो हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम को, हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे सेटेलाइट सिस्टम को, इवन हमारे ऑर्गन्स को वो असर कर सकते हैं. आपको याद होगा जब भी हम कोई एक्सरे वगैरह करवाते हैं तो वो भी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होते हैं, और वो जो वेव्स हैं वो हमारी बॉडी से जब पास आउट होते हैं, हमारे लिए एक स्कैनर का काम करता है. वो हमारे लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है, उसको बार बार नहीं करवाना चाहिए. तो यही चीज, अगर ये रेडिएशन लगातार हमारी बॉडी पे अटैक करेंगी तो हमारे लिए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा. तो व्हेन एलन रेडिएशन बेल्ट आर प्रोटेक्टर फॉर अस, दे आर प्रोटेक्टर फॉर अस, बट हमेशा ये फायदेमंद ही नहीं होती. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके बेनिफिट ही, नुकसान भी. क्या नुकसान है इंसान के लिए, थोड़ी बताता हूँ. 1906 से लेके 19 बच्चा पैदा होता है, तो 1950 में जाके साइंटिस्ट बनता है जिनका नाम था वेन एलन, जिनके नाम पे रेडिएशन बेल्ट. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बैलून से एक रॉकेट को ऊपर पहुंचाने की कोशिश. बैलून चलता चला गया, रॉकेट ऊपर गया, रॉकेट ऊपर जाने पे यहाँ जब रॉकेट पहुंचता है तो रॉकेट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, रॉकेट फेल हो जाता है. अब यही फिनोमेना यहाँ पे भी नजर आता है, जब हमारे सेटेलाइट्स बेल्ट से पास आउट होते हैं तो वो क्या होते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं. तो जो प्रॉपर्टी जेन्युइनली उनको शो करनी चाहिए, प्रॉपर्टी शो नहीं करती. दैट्स व्हाई इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस मैनेज.
सैटेलाइट, सैटेलाइट को लॉन्च कर पाना, अच्छे ढंग से लॉन्च कर पाना वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है व्हेन एलन रीच करते हो। बट स्टिल देखो हर चीज के फायदे होते हैं। यहाँ यस फायदा ये था, सन से आने वाली जो रेडिएशन है जो हमें हार्मफुल इम्पैक्ट पहुंचा सकती है उससे व्हेन एलन रेडिएशन बेल्ट ने हमें बताया, लेकिन नुकसान ये है कि हमारे सैटेलाइट को नुकसान पहुंचता है। तो ये व्हेन एलन रेडिएशन बेल्ट होते हैं, ये आपके दो पार्ट में होते, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सिंगल पार्ट, दो पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते, दो पार्ट के अंदर वो प्रेजेंट होती है, वो सिंगल पार्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपसे जो मैग्नेटिज्म आ रहा है और सन से जो मैग्नेटिज्म आ रहा है वो न्यूट्रल पॉइंट्स बनते हैं, आप बहुत सारे पार्टिकल अपने आप को अरेंज करते हैं, इसलिए आपकी दो पार्ट के अंदर व्हेन एलन रेडिएशन बेल्ट बनती है। तो आप ये डायग्राम के अंदर इजीली देख पा रहे होंगे, ये जो एक डार्क पार्ट है और ये दूसरा वाला डार्क पार्ट है, तो दो पार्ट है जहाँ पे व्हेन एलन ऑन अपोजिट साइड। और ये होता यही है कि भाई अर्थ के अंदर तो यही कंसिडर किया जाता है कि एक मैग्नेटिक पोल है जहां से मैग्नेटिज्म चलता है दूसरे तरफ, आपकी लाइट जो है बनती हुई नजर आती है। तो मोर एप्रोप्रिएटली यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि अर्थ के इंटीरियर में हमने एक मैग्नेट, बार मैग्नेट रखा हुआ है और ये बार मैग्नेट एक परफेक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके चार्ज आयनाइज पार्टिकल के ऊपर इमेज होती है, फोर्स लगाती है इसमें, इसको एनालाइज करके एक प्लेस के ऊपर स्टैग्नेट कर देती है व्हेन एलन, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड और वेरी यूजफुल फॉर अस, हमें प्रोटेक्ट करेगा सोलर रेडिएशन से, लेकिन हमारी सैटेलाइट्स के लिए हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है। तो हमारे लिए हमें सैटेलाइट को बड़े ध्यान से लॉन्च करना पड़ता है ताकि हम अपनी व्हेन एलन रेडिएशन के चलते सैटेलाइट को खो ना दें। चलिए तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, वेरी बेस्ट, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोई और डिफिकल्ट टॉपिक लगता है आपको, डेफिनेटली आई विल कवर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कल सैटरडे है एंड टुमारो आई विल बी टेकिंग अ जूम सेशन, जूम सेशन फॉर 2024 प्रिपरेशन। हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन 2024 के लिए करनी है, तो मुझे ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस वेबिनार, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक in the description of the video, you can register yourself over there. कल शाम को 7 बजे हम कुछ हैक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम ये देखेंगे कि क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या ऐसी मिस्टेक्स हमें जनरली अवॉइड करनी चाहिए while preparing for. Okay. So all tomorrow at 7 p.m. Don't forget to register yourself. The webinar closed होगा, register करेगा, they will got the link and they will out. Come and best wishes to everyone. Thank you, bye.